यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली व्यक्ति और उसके पालतू कुत्ते की है। उस व्यक्ति का नाम मोहन था और उसके कुत्ते का नाम शेरू। शेरू और मोहन की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। मोहन का कोई परिवार नहीं था और शुरू से उसका सच्चा साथी था। मोहन और शेरू की दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब एक दिन मोहन को गांव के बाहर एक घायल और भूखा कुत्ता मिला। कुत्ता बहुत ही कमजोर और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मोहन को उस पर दया आई और अपने घर ले कर आया, उसकी देखभाल की और उसको खाना खिलाया। धीरे धीरे कुत्ता स्वस्थ हो गया और मोहन के साथ रहने लगा। मोहन ने उसका नाम शेरू रखा क्योंकि वह उसे शेर की तरह बहादुर लगा। शेरू और मोहन हर समय साथ रहते थे। सुबह होते ही मोहन और शेरू टहलने के लिए निकलते थे। वे गांव के बाहर के जंगलों में घूमते और नदी के किनारे बैठते धूप का आनंद लेते। शेरू मोहन के साथ हर काम में मदद करता था, चाहे वो खेत का हो या बाजार से सामान लाना हो। एक दिन की बात है, जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था और शेरू उसके पास खेल रहा था, अचानक से शेरू ने खेत के पास किसी अजनबी की गंध सुनकर भौंकने लगा। मोहन ने देखा कि दो लोग उसके खेत की तरफ आ रहे थे। वे अजनबी लोग चोर थे जो मोहन की मेहनत की फसल को चोरी करने आ रहे थे। शेरू ने तुरंत समझ लिया और भौंकना शुरू कर दिया। खतरा समझ वह जोर जोर से भौंकने लगा और उन चोरों की ओर दौड़ने लगा। चोर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन शेरू ने उन्हें आसानी से पकड़ लिया और तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जब तक मोहन गांव वालों को इकट्ठा करके बुला के न लाया। गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इस घटना के बाद शेरू गांव का हीरो बन गया। सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। मोहन को शेरू पर गर्व महसूस हुआ और उसने शेरू को गले से लगा लिया। उस दिन से शेरू और मोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। शेरू अब सिर्फ मोहन का साथी ही नहीं बल्कि पूरे गांव का रक्षक बन चुका था। वह हमेशा गांव की रखवाली करता था और जब भी कोई खतरा आता था से पहले उसे पहचान लेता। मोहन और शेरू की यह जोड़ी गांव में एक मिसाल बन गई थी और उसकी दोस्ती की कहानी हर बच्चे बूढ़े की जुबान पे थी। इस प्रकार शेरू और मोहन की यह कहानी दोस्ती, वफादारी और बहादुरी का प्रतीक बन गई और वह साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों।